अस्सलाम वालेकुम। सैरुल हक, डायरेक्टर आला हबीब एजुकेशन सेंटर। कल तक हम लोग सब कांग्रेसी थे, क्योंकि हमारे बाप दादा सब कांग्रेसी है और हमेशा देते आए हैं। लेकिन जो अवैसी साहब का कल रैली हुआ यहाँ मझगांव हाट में और रोहटा हाट में और बायसी में, तो उस रैली में जो क्रेज़ आया सामने और लोग जो उभर कर आए, पूरी तरह से कांग्रेस छोड़कर लोग इधर आ रहे हैं जमात बंद करके, तो इसलिए हम लोग को कन्वर्ट होना पड़ा हवा का रुख देखकर। और हम लोग आज सब सिमलबारी के जितने भी नौजवान हैं, सारे लोग MIM ज्वाइन कर रहे हैं, ये देखकर नहीं कि ये मुसलमान पार्टी है, बल्कि ये देखकर कि हम लोग को अब ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे इलाके में यही काम करेगा, इसके अलावा और कोई काम नहीं करेगा। क्योंकि हम लोग का दिल ये गवाही दे रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक जज्बा दिखाया जा रहा है। इसलिए अवैसी साहब, आज हम लोग यहाँ सिमलबारी में रहते हैं, हमारे गाँव में एक नदी भी है और हम लोग हजारों साल से इस पुल के लिए तरस रहे हैं, लेकिन आज तक वो पुल नहीं बना। हालांकि हमारे यहाँ से कांग्रेस के ही MLA हैं, MP रहे हैं, सारे लोग हम लोग कांग्रेसी हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ। और उस पुल तक आज क्या क्या, हमारा जो रोहटा हाट मार्केट है हमसे केवल 5-6 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो पुल ना बनने की वजह से हमें सैकड़ों किलोमीटर दूर का सफ़र करके वहाँ जाना पड़ता है। अगर हमारे उस पार रिश्तेदार हैं, अगर कोई मर जाता है और सैलाब की वजह से हम उस पार जा नहीं पाते, उसके जनाजे में शिरकत नहीं कर पाते हैं, इस तरह की परेशानी है। तो हम लोग सब नौजवान इकट्ठे होकर इस बार MIM की हवा देखकर सब चेंजिंग कर रहे हैं और हम लोग सब MIM में जुड़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़। सिमलवाड़ी की जनता, सिमलवाड़ी की जनता, तालवाड़ी पंचायत की जनता, तालवाड़ी पंचायत की जनता, अमर बलोक की पंचायत, अमर बलोक की जनता।